प्रीति दिन बोला है भाई प्रीति से। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर हिट कर दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कैप ली है, ये कैप मेरी थोड़ी छोटी पड़ती थी, थोड़ा टाइट पड़ रही थी, इसकी वजह से मैंने इसको रीयूज़ करने के लिए सोचा। अब इसका मैं ये थ्रेड से ये बंधा हुआ रहता है सबसे ऊपर का जो हिस्सा, मैं उस थ्रेड को कट करके इसको पूरा अच्छी तरीके से ओपन कर दूँगी। ये ध्यान रखना है कोई धागा एक्स्ट्रा कट नहीं जाए, इसको आराम से इस तरह से ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसको पहले, सबसे पहले मैं नापूंगी कि जो नेक का पोर्शन है वो कितना बड़ा आ रहा है, और यहाँ से आप इसको मोल्ड भी दीजिएगा। ये सब लास्ट का है, पहले कितना ओपन करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो ऊपर का हिस्सा है उसको छोड़ करके हमको इतना, जिसमें इसके दो जो आगे की फ्रंट की लेग है वो आ सके, इतना ओपन कर देंगे। ओपन करने के लिए जिससे सिलाई की गई है थ्रेड से, उस थ्रेड को कट कर लेना है, इससे ये ओपन हो जाएगा। और ये जो ड्रेस बना रही हूँ मैं, इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये ओपन हो गया है, अब मैं इसको पहना के देख रही हूँ। बहुत इजी मेथड है, ये कंप्लीट हो गई है, बन गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पहना सकते हैं, और नहीं तो इसको आसपास जो ऊपर है इसमें आप सिलाई कर लीजिएगा, मोड़ लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी पहना सकते हैं। देखिए ये मैंने, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक सिलाई खोली है, ओपन की है और उसको मैंने पहना दिया है। ये देखिए ये पहना दिया है, ये बन गया है। और इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई कर दीजिए ऊपर की तरफ, फ्रंट की तरफ और नीचे की तरफ, ये इसमें यहाँ पर है, आप यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये अस्तर वाला है इसको ऊपर कर करके कॉलर के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, हाई नेक के तरीके। तो मैं आपको दोनों लुक बताऊँगी। ये फर्स्ट लुक है, अब सेकंड लुक में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। ये आप पहले फर्स्ट लुक को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये किस तरीके से किया है। यहाँ से आराम से, यहाँ जो मैंने ओपन किया था जो सिलाई खोली थी उसमें दोनों तरफ से दोनों पैर आ गए हैं, और ये इस तरीके से बंधा हुआ भी है। और यहाँ पर आप इसको मोड़ लीजिएगा। जो मेल होते हैं उनको टॉयलेट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा इसको छोटा रखना है और इसको सिल लेना है। आप जब मार्केट में ख़रीदते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ केवल बेल्ट लगी होती है, मैंने इस तरह बनाया क्योंकि मुझे लगता है बच्चे को इसमें भी ठंड लग सकती है, इसलिए बेल्ट की जगह मैंने इसमें वो रखा है। इस तरीके से ये बन गया है। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताती हूँ कि इसको दूसरी तरह भी कैसे पहन सकते हैं और दूसरी तरीके का लुक कैसा आता है। देखिए मैंने दूसरी तरफ से इस तरह पहना दिया है, और यहाँ से इसको ये हाई नेक की तरह इसको मोड़ दिया, तो ये ऊपर का हिस्सा जो पतला होता है अस्तर वो हाई नेक बन गया और फोल्ड हो गया, और ये नीचे की तरफ से ये बन गया। तो आप दोनों तरह से इसको बना सकते हैं, और कैप जो आपकी यूज़ नहीं हो रही है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और अपने प्यारे से डॉग को सर्दी से बचा सकते हैं। ये देखिए पूरा लुक किस तरीके से आया हुआ है। ये मेरा ब्रूनो है, ब्रूनो जैसे ही कैमरा ऑन होता है ये बिल्कुल रेडी हो जाता है पोज देने के लिए। ये देखिए ये ड्रेस के ऊपर कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।